गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टेंथ मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन का। और आज के सेक्शन में हम लेने जा रहे हैं, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन को, उसके किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ओवर ए बी होगी। जैसा कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसका होता है कि उसके आधार पर अगर हम डायग्राम बना सके तो आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके डायग्राम बनाने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। जैसा कि एक मीनार बोला गया है, तो हम सबसे पहले एक मीनार का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमने स्क्रीन पर एक मीनार बनाया हुआ है, ये उसका आधार हो जाएगा। तो इस मीनार की बात कर रहे हैं, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु, इस मीनार जैसे मीनार का नाम मैं दे दे रहा हूँ पी क्यू, के आधार से दो बिंदु हमारे पास स्थित है, एक तो कैपिटल ए और दूसरा बिंदु कैपिटल बी। कैपिटल ए की जो दूरी है वो मान लेते हैं स्मॉल ए है, जबकि कैपिटल बी की जो दूरी है मीनार के बिंदु क्यू से, ये बिंदु क्यू हो जाएगा, तो इसकी दूरी हम मान ले रहे हैं स्मॉल बी है। तथा मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो पूरक कोण सीधा मीनिंग होता है कि ऐसे कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब एक कोण ए बनाएगा और दूसरा कोण बी बना रहा है, तो उस आधार पर अगर कोण ए थीटा है तो निश्चित तौर पे कोण बी जो होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोणों का योगफल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो इस आधार पे हमारा पहला कोण थीटा और दूसरा कोण 90 माइनस थीटा है। जबकि हमको ये सिद्ध करना है कि इसकी जो ऊंचाई एच है, तो पी क्यू की जो ऊंचाई है वो एच मान ले रहे हैं। अगर हमारा डायग्राम, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डायग्राम बन गया, तो फिर हमारा 50% क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं बने हुए हैं, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ए पी और क्यू एक त्रिभुज और बी पी और क्यू दूसरा त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए पी क्यू, ए पी क्यू ये जो दिखाई दे रहा है इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ए पी क्यू में साइन, सबसे पहली बात तो संबंध किसके किसके बीच में ये देखना रहता है, हमारा संबंध निकालना है पी क्यू, पी क्यू जो कि लंब है और ए क्यू जो कि आधार है, तो उस आधार पे हमारा जो संबंध लंब और आधार में संबंध टेन होगा, तो साइन के बदले हम यहाँ पर लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे जो होता है आधार, तो लंब हमारा हो जाएगा पी क्यू बटे आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्यू। तो यहाँ से tan थीटा का जो मान होता है, PQ का जो मान है हमारे पास है h और AQ का मान जो है वो हमारे पास है a, तो ये इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जबकि हम बात करते हैं त्रिभुज BP और Q में, BP Q में, तो हमारा अब जो कोण है वो बन जाता है 90 माइनस थीटा, और अभी भी लंब और आधार के बीच में संबंध है, तो इसको लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। तो लंब जो हमारा हो जा रहा है वो पी क्यू है और आधार जो है वो बी क्यू है, लंब पी क्यू और आधार बी क्यू। तो इस आधार पर tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमको पता है cot थीटा होता है, पी क्यू का मान जो है एच और बी क्यू का मान हमारे पास होता है बी, जो कि दिया हुआ है पी क्यू का मान बी। तो इस आधार पर ये समीकरण दो हो जाएगा, समीकरण एक व दो का गुणा करने पर, हम समीकरण एक और दो का गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर tan थीटा इंटू cot थीटा विच इज इक्वल टू एच अपन ए इंटू एच अपन बी हो जाएगा। तो हमको ये अच्छे से पता है कि tan थीटा का जो मान होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा का जो मान होता है वो cos थीटा बटे sin थीटा विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपन ए h इंटू एच जो होगा वो एच स्क्वायर होगा, ए इंटू बी ए बी हो जाएगा, तो साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कैंसिल होगा, तो इस आधार पे हमारे पास एच स्क्वायर अपन ए बी इज इक्वल टू वन, तो एम्प्लाइज दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी या एच इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी, जो कि हमें सिद्ध करना था कि इसकी जो ऊंचाई होगी एच का जो मान होगा वो रूट ओवर ए बी हो जाता है।